नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें शिमला से सामने आई है, हिमाचल के शिमला से सामने आई है, जहां कांग्रेस जो है लगातार ही राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतरी है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और राहुल गांधी के समर्थन में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार और अडानी के रिश्ते पर खास तौर पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से मानहानि मामले में जो राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई है, उसका पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी के संसद की सदस्यता हटाए जाने को लेकर संपूर्ण देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शिमला में भी चौड़ा मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बहुजन कांग्रेस, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश कमेटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकर्ताओं ने जो है केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। और इसी तरह से कांग्रेस का कहना है कि न्यायपालिका पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस देश में सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, सब जो हैं अपने मन की बात कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ अगर कोई बात की जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया जाता है। तो कांग्रेस जो है लगातार ही लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए लोकतंत्र की हत्या करने को जो है मोदी सरकार को एक बार जिम्मेवार ठहरा रही है और तानाशाह रवैया अपनाने की बात भी कांग्रेस द्वारा कही गई है। तो इसी तरीके की और अपडेट्स लेके एक बार फिर हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।